ओके स्टॉप राइटिंग, अभी आप लोग इसको लिखें। लिसन, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग किस प्रकार से अपने डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक, देखो हम सबको पता है, चाहे वो सिंपल रहा हो और चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सबके कुछ ना कुछ रूल जरूर होते हैं। सबके कुछ ना कुछ रूल जरूर होते हैं। शायद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको देखा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा भी है और ये हम लोग बहुत भलीभांति जानते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है। ठीक, सबको पता है ना। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, मैं कह सकता हूं इसको भी सडन फीलिंग या अचानक से हो जाने वाली कोई भी घटना को हम लोग एक्सक्लेमेशन कहते हैं। कि जैसे अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक हम किसी की बर्थ हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे आज नरेंद्र मोदी जी की माता श्री का देहांत हो गया है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब यहाँ पे उनकी अगर बात करते हैं तो जो भी उनके प्रिय लोग रहे होंगे, जो भी उनके लविंग फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड मेनी अदर्स पीपल हु आर लविंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए क्या हुआ होगा, ये बहुत बड़ी क्षति है। ठीक, तो उनको ये जब सुनना होगा उन लोगों ने, तो उनको कहा होगा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। ठीक, तो ये जो हे भगवान निकला है ना, यही है एक्सक्लेमेशन वर्ड। ठीक है, अचानक हम लोग के सामने अगर ट्रक आ जाए, हम लोग क्या करें, हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं और अचानक कोई ट्रक आ जाता है, हमारे मुंह से निकलता है अरे बाप, ये क्या हो गया। ये जो अरे बाप है ना, ये एक्सक्लेमेशन है। छोटी छोटी बात पे चोट लग जाती है तो कहते हो अरे मम्मी चोट लग गई। ठीक, तो तुम्हारे चोट लगने से पहले जिस शब्द का तुमने प्रयोग किया वो तुम्हारा एक्सक्लेमेशन है। समझ में आया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलते समय एक्सक्लेमेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये होता है एक्सक्लेमेशन का मार्ग। ठीक, ये है एक्सक्लेमेशन का मार्ग। ठीक, रूल नंबर, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या कह रहा है कि रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क बाय यूजिंग फुल स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में क्या मिलने वाला है, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलने वाला है यहाँ। ठीक, तो उसको हमें कैसे रिमूव करना है, बाय द फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम यही था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उस क्वेश्चन मार्क को हम लोग भी फुल स्टॉप से ही रिमूव करते हैं। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि रिपोर्ट कंजक्शन दैट विल बी यूज इन इट व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस को पहले भी देखा है कि इसके अंदर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। एक ऐसा ही आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि कंजक्शन दैट की जगह पे क्या यूज हो रहा था, इफ और वेदर। ठीक है, बाकी अभी तक कहीं पे डैट के अलावा कोई और कंजक्शन यूज किया गया है? नो सर। नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन को छोड़ के, इंट्रोगेटिव को छोड़ के बाकी सब में डैट का ही यूज हम करते हैं, डैट कंजक्शन का यूज करते हैं फॉर फॉर्मिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे सबसे जो समझने वाली चीज है अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, वो यही समझने वाली चीज है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड होता है तो किस में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ विश प्रेड अप्लॉज्ड सोरो एटसेट्रा। अब जैसे कह सकते हैं कि द
इसमें देखो एक एग्जांपल इसमें मैंने लिखा हुआ है आपके लिए कि द ओल्ड वुमन सेड अलास आई कैन नॉट वॉक राइट नाउ. इसका मतलब ये है कि मान लो एक हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं इस एग्जांपल के ऊपर कि एक औरत है, एक बूढ़ी महिला है, वो क्या कर रही है, कहीं भी चल रही होगी, ठीक है ना, कहीं भी चल रही होगी बहुत देर तक चल रही होगी, और अचानक वो थक जाती है और थक जाने के बाद कहती है, हे भगवान अब मैं नहीं चल सकती, हे भगवान अब मैं नहीं चल सकती. तो ये नहीं चल सकती से पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्सक्लेमेशन वर्ड यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना. अब देखो मैंने आपको अब इस अकॉर्डिंग टू द रूल देख लेते हैं कि रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क बाय यूजिंग फुल स्टॉप. कहीं पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है हटा दिया, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया. यस सर. रिपोर्टिंग ऑफ सेड आर चेंज इन द एक्सक्लेम विद विस्ड प्रेयर अप्लॉज सॉरो. ठीक, मैंने क्या किया, ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. सॉरो का मतलब क्या होता है, दुखी पूर्वक, दुख से ग्रसित हो गया. अगर हम कोई चीज कहते हैं कि तब हम लोग उस पे व्यक्त करते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है ना. ये हो रहा है कि वुमन थक गई होगी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई होगी, इसलिए कह रही है कि द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. यहां पे कहिए है कंजक्शन, कंजक्शन है ना ये. यस सर. क्या ये कंजक्शन, कंजक्शन है, मैंने साफ साफ लिखा था कंजक्शन दैट विल बी यूज इन द व्हाइल मेकिंग द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक, तो देखो दैट का यूज किया गया, कब यूज किया गया सर, आगे चलते हैं. ठीक, शी कुड नॉट वॉक देन. अब देखो यहां पे कैन नॉट किस पे चेंज हो गया, कुड नॉट पे चेंज हो गया. यस सर. ठीक, और नाउ किस पे बदलता है, देन में बदलता है. ठीक है, अभी इसके आगे और भी बहुत सारे रूल्स हैं, अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्या नाम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और शायद हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूरा हो जाए. ठीक है, इसको नोट करें.